तो ये गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दिल्ली से। और आज शादी का दिन है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज शादी का शूट करूंगा, तो शादी का शूट होने वाला है आज। और दिल्ली में हल्की हल्की ठंडी लग रही है हमें, मतलब मुंबई से बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ी लग रही है। बस चल ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या होगा। वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पूरा शूट करके दिखाऊंगा। चल दिल्ली में बाहर क्या खूबसूरत मौसम हुआ यार, नजारा देखो यहाँ का दिल्ली का। मस्त है ना। चलो नीचे दिल्ली के रास्तों में चल रहे हम। इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा एरिया है ना, आपको दिखाता रहूंगा आगे। इधर ज्यादातर होटल से दिख रहे हैं हमें, हर गली के हर ये होटल वो होटल, जहाँ हम रह रहे हैं वो भी होटल में है। तो इसे गाय और क्या मस्ती, अलग ही मौसम है यार। और ये ऐसा दिल्ली के हवा में एक थोड़ा क्लाइमेट में थोड़ा एक मिस्ट है, फॉग ही पूरा हो चुका है यहाँ पे। ठंडी दे सकते हो आप इधर, तो आपको आपको पता नहीं ओस दिख रही है क्या नहीं, हम लोग पीछे थोड़ा पूरा ओस हो रहा है। और एक वो साइड भी पूरा देखो थोड़ा ब्लर ब्लर ब्लर, ब्लर। नहा धो के एकदम रेडी हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर हल्दी में, हल्दी वाला कपड़ा पहन के। चलो लेट्स सी, देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। हल्दी की तैयारी चालू है, अभी पूजा हुई, आपने देख ही लिया होगा। पंडित जी सब होता है, पाठ वाठ सब तैयार कर रहे हैं। लेट्स सी। अरे दूल्हे भाई, ये एक रूम है, इधर लेडीज तैयार हो रही है, इधर सुशील आ गए। ये हमारा रूम था, नमो वरगणपते वाया नमो ब्राह्मणे वाया कृष्णाय नमो वाया नमो वाया वाया नमो वाया
ओम मंत्री क्रिया एक भक्ति जनार्दन और दीपक की तरफ नजर रखना, सिर्फ दीपक की तरफ। किसी को यहाँ पे कोई भी आ जाए, किसी की तरफ नजर मत रखना। 33 करोड़ देवी देवता उस दीपक के अंदर बैठे हुए हैं और उस दीपक के ही सारे पे हम चल रहे हैं, संसार चल रहा है। उसको कहते हैं वैसे भस्मासुरी। इसी आग से बच्चा पैदा हुआ है, इसी आग में बच्चे ने समाप्त होना है, जलना भी हमने उसी में। तो सबसे पहले हमारे जो है माता पिता आगे बैठे हुए हैं, उनके पीछे उनके माता पिताजी दादी दादा बैठे हुए हैं, तब हमारा जो है नरसिंह बैठा हुआ है, तब हमारा जो है नागरजा बैठा हुआ है, तब हमारी भगवती माँ देवी है। देवी सबसे नीचे पीछे रहती है। जगत जननी, जगत माता, जगत देवी च कालिका। जगत की जननी भी है, जगत की माँ भी है और जगत की घरवाली भी है। भगवान विष्णु के चरणों में प्राप्त रहती है और क्या है हमारे घरों तो आ गई बैठे जगह। ओम करतली कपालम कुंड दंड पाणी हस्त नीलो व्यलायज्ञम पवित्रम प्रजामि नमो शील पात्रम नमो 36 रूप। जब 36 रूप धारण किए हैं तो शिव जी ज्यादा खराब हो गए। तो शिव जी के छाती में एक पांव पड़ गया पार्वती का दुआ और बेहोश हो गया। क्या है गणेश जी कहते हैं कि भाई देखो माता पिता गुरु देव, एक तरफ दूध माँ का है, एक तरफ पिता जी का है, बीच में गुरु जी बैठे हैं जिसमें शिक्षा प्राप्त कराते हैं बच्चे का। 3 स्थान होते हैं माँ पिता और उसके बाद गुरु। माँ मारती है बाप के पास भागता है, बाप मारता है माँ के पास भागता है, सुबह उठ के स्कूल चला जाता है। 4th स्थान उसका कोई नहीं। तो माता पिता गुरु देवता जिसने समझ लिया वो बच्चा कहीं मार नहीं खाएगा, कहीं भूखा नहीं रहेगा और इतना अच्छा बनेगा कि शायद पिताजी से भी आगे बढ़ेगा। मगर आज में कोई है नहीं, इसीलिए पूर्ण कर। तो सरस्वती नमा श्यामी नमने काम रूपणी जस माता उमा गौरी पिता के शिक्षण करा मुख को बालों जस श्यामा पाद बनाएगा। कैसे बालक को जन्म दे दो विष्णु द्रोह में सारा हमारा नाम क्यों जा रहा है, बालक देखो मार दे आप ही तो थे, हमारी पूजा क्यों नहीं हो रही है, मगर हम कर्मदायक नहीं है, इस लायक हम नहीं, अच्छे कर्म करते तो शायद हमें भी कोई बोल। ब्रह्मी कमले नारेश्वरी कौमारी वैष्णवी भैरव को मानने के लिए वैष्णव रूप धारण के मां पार्वती ब्रह्मी कमले। तो अभी हम लोग बाहर आ गए, पूजा हो रही थी, हल्दी को काफ़ी टाइम लग रहा था, फिर पूजा होगी फिर हल्दी होगी। अभी तो इनके मेहमान आए थे, हमको तो मेहमान को लेने आए थे, तो देखो अभी आगे क्या होता है। दिल्ली भाई ठंडी बहुत सही आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा मिस मौसम है। आ जाओ बेटा एक तरफ ठीक है, आज मन ले आओ ना खड़ो जी। हाँ इनका दौर कहा तीसरी वाली कहा वो है आ जाओ तुम भी आओ तो आओ सोसा दादा सरपाल।
तू लड़ गए हल्दी हल्दी चार पाँच मेरे को जाने दो सात ऑन कर देना मेरे तू लावने में बहन ना नीत जो खड़ा रहता है उसको लगाना पड़ेगा आपने कर ना तरेड़ जो मैं ये छोले भटूरे बोलो छोले भटूरे खाना चाहिए छोले भटूरे आप भी खावे हाँ ये छोले भटूरे आप भी खावे अजय बाबा जी ना ओ फिक्की चाचा तो आपको चला दे हाँ हाँ ऐसा तो कर सकते हैं नाचरा वो बोले थे अच्छा लेडीज लोग कर तो रहे हमने क्या करते लेडीजों का काम राधा कार्ड हमारा जो राधा कार्ड डायरेक्ट करो अरे रात तुम 12 बजे जाओगे 5 बजे पहुँचाओगे 5 बजे तो मैं वहाँ से ऋषिकेश वाले 6 बजे का बस है नहीं 6 बजे का उधर से बस है यार पूरा लगा देते मंत्रिहीनम यात्रपातम तुरा सर्वे शंभनम सुस्थिरा भवा।
पृथ्वी तो दृढ़ लोका देवी क्या परमेश्वर सर्व पापों में घंटान समझ में माँ वाला पृथ्वी माता वाले मैंने आदि तक जो भी गलत काम किए हैं चोरी चपाड़ी लड़ाई झगड़ा गाली उली जो भी दिए पर आज इसको मैं समाप्त कर दियो मैं लक्ष्मी को लेने जा रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि भूकंप आ जाए पृथ्वी ऊपर से नीचे चले जाए आसमान ऊपर से नीचे आ जाए ऐसे नहीं होने केवल भगवान विष्णु का साथ रूप है ये संघ ऐसी चीज है चल भाई भाभी ले आरती इतना छोड़ शुरू कर ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे। तो गाइस अभी अपडेट कुछ ऐसा है कि खाना हमने खा लिया है और बीच में छोले भटूरे भी खाए लेकिन बता नहीं पाए क्योंकि इधर कंटिन्यूसली शूट करना मतलब पॉसिबल नहीं हो रहा है। हम लोग अपने काम में लग जा रहे हैं इसमें लग जा रहे हैं तो इसीलिए अभी हम खाना खाए अभी आए तो फिर मुझे याद आया अरे भाई ब्लॉग आता रह गया शूट करना है तो वापस से चालू कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे छोले कुलचे देखते अभी तो नहीं खाना अभी खाना क्या है लेकिन लास्ट में ट्राई करेंगे। सुबह हम लोग वेट कर रहे थे फाइनली बारात के लिए हम रेडी हो चुके हैं और अभी बारात निकलने वाली है। उससे पहले हम लोग का ड्रेस देख लो ये हम लोग का आज लुक है और सब रेडी हो रहे हैं। मैं पहला तैयार हो गया तो बोला अभी निकलते फटाफट फ्रेश हो गए तो वो कैनॉट प्लेस से आया ना यार एक कैनॉट प्लेस की बात बताता हूँ। मैंने एक बात नोटिस की है अगर आप उधर रहोगे तो अपने पैसों का ध्यान रखो पैसों का और सामान का ध्यान रखो। मुझे लगता है वहाँ पे चोरी हो सकती है इतनी भीड़ थी एक का हो गया था हमारे सामने इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसा नहीं जज नहीं कर रहा इसीलिए जाओगे कैनॉट प्लेस तो देख लेना तो मिलते हैं अभी बारात Yeah.
अच्छा 500 है मैं क्या करूँ, ये अभी इसने बोला अभी अभी हाँ पकड़ो ये पकड़ो 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 बेस्ट चीज बना दिए है यहाँ पे, ये मीठा ये तीखा और पूरी खुद लो खुद बनाओ। अभी भैया को भी टेंशन नहीं कि भैया थोड़ा और टीका और टीका और खुद निकाले खाओ। ये ऊपर से व्यू कुछ ऐसा है, कूल फील है। रात की शादी पहली बार अटेंड कर रहा हूँ मैं और ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना, इतना मस्त जा रहा है ना। एक्चुअली दिल्ली का एक्सपीरियंस ही मेरा बहुत बेस्ट जा रहा है। क्या देख रहे हैं बस यार बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ शूट नहीं कर पा रहा, जितना भी शूट कर पा रहा उतना दिखा रहा हूँ आप लोगों को। नीचे अभी हमारा खाना खा लिया, नीचे दूल्हा दुल्हन को दिखाएंगे, फिर क्या वीडियो एंड करेंगे। भाई सोने जाना है कल रात को, कल सुबह की ट्रेन पकड़ना है हमें, कल सुबह की ट्रेन है हमारी, वो छूट गई तो फिर हम दिल्ली में रह जाएंगे। सो गाइज अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं, शादी का प्रोग्राम बहुत हो चुका है हमारा, अभी भी चालू था कुछ प्रोग्राम लेकिन हम आ चुके हैं क्योंकि कल हमारी मॉर्निंग में ट्रेन है 5:30 की, सो इसलिए हम जल्दी आ गए। सुशील और मैं यहाँ पे, कुछ लोग गांव जा रहे हैं हमारे,
ये कुछ लोग निकल रहे गांव को और कुछ लोग जा रहे हॉल की तरफ वापस से। तो बस ऐसे ही है। और अभी कल सुबह उठना है जल्दी, 3:30-4 बजे उठ जाएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से वैसे जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए ये होटल है ओयो का, यहाँ से हमारा फरीदाबाद स्टेशन जाना है हमें। तो फरीदाबाद स्टेशन यहाँ से 25 मिनट्स है, तो यहाँ से देखेंगे हम रिक्शा वगैरह पकड़ लेंगे फिर वहाँ से निकलेंगे। तो सुबह आपको मालूम पड़ जाएगा। तो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं फिर सुबह। चलो होटल से निकल रहे अभी, सुबह के 5:30 हो रहे, 4:30 हो रहे, सॉरी। लोग बोलेंगे अभी उसका नींद पूरा नहीं हुआ। भाई उधर कहाँ जा रहा है? यहाँ से आए थे ना? नहीं नहीं, इधर से आए थे हम। हाँ आए यहाँ से थे, लेकिन यहाँ से रास्ता है ना। तो भाई सुबह के 4:30 हो रहे हैं और निकल चुके हैं हम लोग। अच्छा और नींद खुल गई, आई डी रहते। ओ ठीक है, सीधा मिलते हैं हम अपने फरीदाबाद स्टेशन पे। चलो भाई भागना है अभी, देखा ही नहीं मैंने। फरीदाबाद स्टेशन आ चुके हैं और चलते हैं एस्कलेटर। सुशील ठंडी से परेशान। अब एक ट्रेन गई यहाँ से, पूरा कान फाड़ के चले गए हम लोग। फरीदाबाद स्टेशन में बैठे हैं अभी। ट्रेन 45 की ना, 42 की। अभी 5:11 हो रहे हैं। ओ बैठे हैं इधर, ट्रेन आएगी फिर जाते हैं। मुंबई वाले नहीं रह पाएंगे, जिसको मुंबई वाले जिसको ठंडी लगती है ना बहुत, तो इधर रह ही नहीं पाएंगे भाई। हम तो रह रहे हैं। ठीक है चले ट्रेन में बैठते हैं, बताते हैं फटाके। हम तो हमारे मुंबई में नहीं उड़ गए वाले, साल भर पटाखे बहुत बच गए भाई हम लोग। अब तो भाई इंडिया जितना बड़ा इम्पोर्ट है। पटाखे फूट रहे फरीदाबाद स्टेशन के बीचों बीच। ट्रेन का इंतजार करते हुए हम एफएम सुन रहे हैं और एकदम ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। ठंडा ठंडी हवा हमारे बॉडी पे लग रही है, आप देख सकते हो। वन इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। कभी किसान। फाइनली ट्रेन आ चुकी है। फाइनली बैठ चुके हैं। विंडो सीट चलो बाय बाय फरीदाबाद।
भाई मथुरा आया, मथुरा में इतना भीड़ हो गया है, एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब अब तक का मैं पहला भीड़ देख रहा हूँ, जब से अपन आए हैं तब से अब भी मैं पहला भीड़ देख रहा हूँ। इतना कितने से कितने तक है नंबर देखना। आई से अंदर रहना, वो गेट लगा दे। अबे सीट देखना। सुशील कुछ कहना है? कुछ कहना है यार? उतरना कहाँ चला? उतरना था मेरे को भी था। इसी खड़े उतरे नहीं। इन भाई तो कौन जाएगा, इधर ही उतर जाता। दोस्तों फाइनली हम मुंबई पहुंच चुके हैं और दादर स्टेशन में उतरे हैं। अब निकलते हैं घर की ओर। तो वीडियो अभी देखो, अभी आगे बंद अपना मुंबई मुंबई है, मुंबई में आके मुंबई का मस्त फील आ रहा है। और बट लेकिन इधर एक चीज़ है, इधर गर्मी हो रहा है जो दिल्ली में ठंड थी, और एकदम मस्त क्लाइमेट। बस अरे अपना मुंबई मुंबई है भाई। अभी लोकल का टिकट निकल लिया, अभी हम निकल रहे हैं घर की ओर। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बस यार और क्या बोले, सुबह के कितने बज रहे हैं अभी? 7:42 हो रहे हैं। निकलते हैं हम लोग अभी, और आप लोग भी निकलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस स्माइल करो और खुश रहो। चलो।